Hello friends, welcome to StudyGo with Zina Siddiqui. For more videos, subscribe the channel and press the bell icon for latest updates. दोस्तों अगर आप लोग मुझे Instagram पर फॉलो करना चाहते हैं तो मेरा Instagram का पेज है और इसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां पर क्लिक करके मुझे इजीली Instagram पर फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, वहां पर आपको एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की सारी वीडियो सिक्वेंस में मिलेंगी। अगर आपको वो सारी वीडियो एक्सेस करनी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, वहां पर क्लिक करके उन सारी वीडियो को इजीली देख सकते हैं। दोस्तों आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द ग्रोथ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और इसकी ग्रोथ के रीजन क्या है, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ने जो वृद्धि की है वो कैसे हुई और अलग अलग देशों में कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ने ग्रोथ की और इसके रीजन क्या है, इसके फैक्टर्स क्या हैं जिसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ने रैपिडली ग्रोथ की। सबसे पहले हम देखेंगे कि इंग्लैंड में एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का ग्रोथ कैसे हुआ। दोस्तों अल्बर्ट वेन डाइसी को तो आप जानते होंगे, इन 1885 इन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का कॉन्सेप्ट है उस पूरे कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट कर दिया था। ये जो डाइसी हैं, प्रोफेसर डाइसी, ये एक ब्रिटिश जुरिस्ट थे और ये बहुत ज़्यादा फेमस है अपने रूल ऑफ लॉ के लिए। इन्होंने प्रिंसिपल ऑफ रूल ऑफ लॉ दिया था, यानी कि रूल ऑफ लॉ का जो सिद्धांत है, विधि का शासन जिसे कहते हैं, वो दिया था। इन्होंने 1885 में एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का जो कॉन्सेप्ट है उसको पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया था। 20th सेंचुरी तक एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को एक सेपरेट ब्रांच ऑफ लॉ यानी कि विधि की अलग शाखा के रूप में एक्सेप्ट नहीं किया गया था। द लॉर्ड डनफमोर कमेटी इन 1929 रिकमेंडेड फॉर बेटर पब्लिकेशन एंड कंट्रोल ऑफ सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, जिससे कि बेटर पब्लिकेशन हो और सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन के ऊपर कंट्रोल किया जा सके। इस चीज के लिए ये जो डनफमोर कमेटी है इसने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को रिकमेंड किया। इन 1958 ट्राइब्यूनल्स एंड इंक्वायरीज एक्ट वॉज पास फॉर द बेटर कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस। अब 1958 में ये एक्ट पास किया गया जिसकी वजह से जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है वो इंग्लैंड में विकसित हुआ और उसके बाद अब इंग्लैंड में एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पॉपुलर हो चुका है। ब्रीन वर्सेस अमलगमेटेड इंजीनियरिंग यूनियन 1971, ये केस पहला केस है जिस केस में एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की जो एग्जिस्टेंस है यूनाइटेड किंगडम में वो डिक्लेयर की गई थी कि हाँ भाई यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एग्जिस्ट करता है। ये चीज इस केस में एक्सेप्ट की गई थी, ये पहला ऐसा केस है जहां पर ये बात एक्सेप्ट की गई थी कि यूनाइटेड किंगडम में एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एग्जिस्ट करता है। अब बात आती है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की कि यहाँ पर कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ने ग्रो किया। ये जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का जो एग्जिस्टेंस था वो पूरी तरीके से इग्नोर किया गया था। जब तक कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ स्टेट की फोर्थ ब्रांच नहीं बन गया तब तक यहाँ पर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया, तब तक उसको इग्नोर किया गया। हालांकि कुछ लीगल फिलोसफर्स थे जैसे कि फ्रैंक गुडनाउ हो गया, अर्नस्ट फ्रॉन्ट हो गया, इन्होंने पहले से ही कुछ बुक्स लिखी थी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के ऊपर, लेकिन फिर भी ये जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में इतना ज्यादा लाइट में नहीं आया था। इट वॉज इन 1933 दैट अ स्पेशल कमिटी वॉज अपॉइंटेड टू डिटरमाइन हाउ जुडिशियल कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज कुड बी एक्सरसाइज। देयर आफ्टर इन 1946 द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर एक्ट वॉज पास्ड विच प्रोवाइडेड फॉर जुडिशियल कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस। पहले तो कुछ ज्यादा लाइट में नहीं था, हालांकि कुछ ऑथर्स थे जिन्होंने पहले से बुक्स लिख चुके थे वो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के ऊपर, लेकिन 1933 में जब स्पेशल कमेटी अपॉइंट की गई वो भी किस चीज के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज के ऊपर जो जुडिशियल कंट्रोल है उसको डिटरमाइन करने के लिए, और उसके बाद 1946 में एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स एक्ट पास किया गया। और इस एक्ट ने क्या चीज प्रोवाइड की, इस एक्ट ने ये चीज प्रोवाइड की कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस पर जुडिशियल कंट्रोल कैसे किया जाएगा, ये चीज प्रोवाइड की, और इस तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में एग्जिस्टेंस में आया 1946 के बाद। अब बात आती है अपने देश की यानी कि हमारा भारत, हमारा इंडिया, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ने कैसे ग्रोथ किया। ये बात तो पहले से ही क्लियर है कि जो मौर्याज एंड गुप्तास थे एंशिएंट टाइम्स ऑफ इंडिया में, उनका पहले से ही सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, लेकिन जैसे ब्रिटिश इंडिया हुआ तब एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो था इंडिया का उसमें कुछ चेंजेस आए, यानी कि
मौर्याज एंड गुप्तास के टाइम से ही हमारे देश में एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, लेकिन जैसे ब्रिटिश इंडिया आए तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में कुछ चेंजेस हुए और कुछ लेजिस्लेशन जो कि रेगुलेट कर रहे थे कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस को कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे रेगुलेट किया जाए, ये सब चीज़ ब्रिटिश इंडिया में पास की जा चुकी थी। आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया अडप्टेड टू बिकम अ वेलफेयर स्टेट विच हेंसफोर्थ इंक्रीज द स्टेट एक्टिविटीज। यानी कि जैसे हमें आज़ादी मिली, हम आज़ाद हुए, हमारे देश में एक्टिविटीज बढ़ गई, हमारा देश एक वेलफेयर स्टेट बन गया। एज द एक्टिविटीज एंड पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज इंक्रीज्ड, सो डिड द नीड फॉर रूल ऑफ लॉ एंड जुडिशियल रिव्यू ऑफ द स्टेट एक्शंस। यानी कि सिंपल सी बात है, एक्टिविटीज जैसे बढ़ी, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बढ़ा, तो इस वजह से एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज इंक्रीज हुई, जिसकी वजह से जो आपका लेजिस्लेचर है वो पावर डेलीगेट कर सके। क्योंकि जरूरी नहीं है कि लेजिस्लेचर ही सारा काम करे, कुछ काम एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के ऊपर सौंपा गया, जिसकी वजह से जो बर्डन है लेजिस्लेचर का वो कम हो जाए। हैंस फोर्थ इफ रूल्स रेगुलेशन एंड ऑर्डर पास बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज वर फाउंड टू बी बियॉन्ड द अथॉरिटीज लेजिस्लेटिव पावर, देन सच ऑर्डर रूल्स एंड रेगुलेशन वर टू बी डिक्लेयर अल्ट्रा वायर्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल इलीगल एंड वॉइड। हालांकि ये बात क्लियर है, अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज कुछ रेगुलेशन एंड ऑर्डर पास करती है और वो जो अथॉरिटी लेजिस्लेचर ने उसको दी है उसके बियॉन्ड है, उससे परे है, या फिर उसका हनन कर रहा है, तो वो ऑर्डर, वो रूल्स, वो रेगुलेशन क्या डिक्लेयर कर दिए जाएंगे? अल्ट्रा वायर्स एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल, या फिर इलीगल एंड वॉइड, ये उनको डिक्लेयर कर दिया जाएगा। इट मीन्स कि लेजिस्लेचर ने अगर पावर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज को डेलीगेट की है कि आप रेगुलेशंस बनाइए, रूल्स बनाइए, लेकिन अगर वो उस पावर को एक्सीड कर जाती है, उस पावर के बियॉन्ड चली जाती है, उस पावर का वो गलत इस्तेमाल करती है, जैसी पावर दी गई है उस पावर के हिसाब से ना चल के बल्कि कुछ और ही वो कर रही है, या फिर कुछ एक्स्ट्रा कर दिया, तो उस कंडीशन में लेजिस्लेचर के पास पावर है कि वो क्या कर सकती है, उसको अल्ट्रा वायर्स, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इलीगल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। सेम पावर जुडिशियरी के पास भी है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन के विरोध में अगर जाती है एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज, तो जुडिशियरी भी उस एक्शन को जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज ने लिया है, जो ऑर्डर पास किया है, जो रूल पास किया है, उसको जुडिशियरी कैंसिल कर सकती है, वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। तो हमारे इंडिया में इस तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का ग्रोथ हुआ। पहले से ही हमारे देश में मौर्याज एंड गुप्तास के समय से एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, ब्रिटिश के आने पर थोड़ा चेंजेस उसमें हुए, लेकिन इंडिपेंडेंस जब हमारा देश हुआ, ब्रिटिश से जब हमारा देश आज़ाद हो गया, तो हमारा देश एक वेलफेयर स्टेट बन गया और एक्टिविटीज़ इंक्रीज़ हो गई, तो फिर लेजिस्लेचर के ऊपर बर्डन पड़ा, ज़्यादा बर्डन पड़ा, तो फिर हमें ये आवश्यकता हुई कि हम अपनी पावर को किसी को डेलीगेट करें, एग्जीक्यूटिव को डेलीगेट करें, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज को इंक्रीज करें, जिससे जो काम है उसका बर्डन कम हो सके। और अगर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज बियॉन्ड जाती है लेजिस्लेटिव अथॉरिटी के, जो लेजिस्लेटिव पावर्स दी गई हैं, डेलीगेट की गई हैं लेजिस्लेचर के द्वारा एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज को, तो वो पावर अगर वो एग्जीट करती है और उसको एग्जीट करके वो कोई रूल रेगुलेशंस बनाती है, तो लेजिस्लेटिव अथॉरिटीज के पास पावर है कि वो उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दे। और सेम पावर आपकी जुडिशरी के पास भी है, अगर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज कोई रूल बनाती है, कोई रेगुलेशंस बनाती है, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के असंगत है, कॉन्स्टिट्यूशन के इनकंसिस्टेंस में है, कॉन्स्टिट्यूशन के अपोज में है, हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रहा है, तो जुडिशरी उस रूल एंड रेगुलेशन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इलीगल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। तो ये स्थिति हमारे देश में एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की है और इस तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ हमारे देश में ग्रो किया। अब बात आती है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की जो ग्रोथ हुई है उसके क्या रीजन है, व्हाट वर द फैक्टर्स जिसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ने ग्रो किया है। तो पहला पॉइंट है द कॉन्सेप्ट ऑफ अ वेलफेयर स्टेट, क्योंकि हमारा देश जैसे ही इंडिपेंडेंट हुआ तो फिर एक्टिविटीज जो है वो इंक्रीज हो गई, तो इस वजह से हमें एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज को बनाना पड़ा, उनको इंक्रीज करना पड़ा। नेक्स्ट पॉइंट है द इनएडिक्वेसी ऑफ लेजिस्लेचर,
जैसे कि आप लोगों को पता ही है द लेजिस्लेचर हैज़ नो टाइम टू लेजिस्लेट अपॉन द डे टू डे एवर चेंजिंग नीड्स ऑफ द सोसाइटी इवन इफ इट डज द लेंथी एंड टाइम टेकिंग लेजिस्लेटिंग प्रोसीजर वुड रेंडर टू द रूल्स सो लेजिस्लेटेड ऑफ नो यूज एज द नीड्स वुड हैव चेंज बाय द टाइम द रूल इज इम्प्लीमेंटेड. यानी कि अब लेजिस्लेचर जैसे कि सोसाइटी में चेंज हो रहा है क्या, अब उसके हिसाब से वो बार बार चेंज अपने लेजिस्लेचर में लेजिस्लेशंस में चेंज करती रहेगी. इतना टाइम लेजिस्लेचर के पास नहीं है. और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि जो हमारे पॉलिटिशियंस होते हैं लेजिस्लेचर में वो बहुत अच्छे पॉलिटिशियंस हो सकते हैं लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो पढ़े लिखे हों, क्योंकि मोस्टली हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो पढ़े लिखे नहीं होते. तो जो सब्जेक्ट मैटर होता है आपका, जो लेजिस्लेशन है उसका सब्जेक्ट मैटर जो है वो बहुत ज़्यादा टेक्निकल भी होता है. कई बार कोई साइंटिफिक चीज़ के ऊपर लेजिस्लेशन बनाना पड़ रहा है तो उस कंडीशन में एक वेल एजुकेटेड बंदे की भी ज़रूरत होती है. तो इस वजह से भी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ने ग्रो किया. नेक्स्ट पॉइंट है द इनिफिशियंसी ऑफ जुडिशियरी. यानी कि जुडिशियरी में कहीं ना कहीं कमियां हैं. द जुडिशियल प्रोसीजर ऑफ एडजुडिकेटिंग मैटर इज़ वेरी स्लो, कॉस्टली, कॉम्प्लेक्स एंड फॉर्मल. Furthermore, there are so many cases already lined up that speedy disposal of the suits is not possible. Hence, the need for tribunal arose. क्योंकि tribunals वगैरह बनाए जाते हैं administrative law में जो कि बहुत सारे matter को deal करते हैं. तो इस वजह से जो judiciary है क्या है, वहाँ पर बहुत सारे matters इतने ज़्यादा pending में रहते हैं, एक case को solve करने में पता नहीं कितने साल लग जाते हैं. तो जो आपका tribunal होते हैं ये मतलब speedy justice देते हैं, जल्दी से जल्दी आपको जस्टिस प्रोवाइड करते हैं. तो इस वजह से भी आपका एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ग्रो किया. नेक्स्ट पॉइंट है द स्कोप ऑफ द एक्सपेरिमेंट. क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में बहुत ज़्यादा स्कोप है एक्सपेरिमेंट का. एज एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज नॉट अ कॉडिफाइड लॉ, देयर इज अ स्कोप ऑफ मॉडिफाइंग इट एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टेट मशीनरी. जैसे जैसे स्टेट मशीनरी की जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में बहुत ज़्यादा स्कोप है मॉडिफाई करने के लिए. हैंस इट इज़ मोर फ्लैक्सिबल, बहुत ज़्यादा फ्लैक्सिबल है. द रिजिड लेजिस्लेटिंग प्रोसीजर नीड नॉट टू बी फॉलो अगेन एंड अगेन. यहाँ पे कोई रिजिडिटी नहीं है कि हमें ये प्रोसीजर फॉलो करना है. लाइक जैसे कि हम अमेंडमेंट करते हैं लेजिस्लेचर में आर्टिकल 368 के तहत, तो मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी होता है कई बार प्रोसीजर. तो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्कोप ऑफ एक्सपेरिमेंट है, फ्लेक्सिबिलिटी है. हम कोई भी चीज़ स्टेट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं. तो इस वजह से भी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ग्रो किया. सो गाइज, इट्स ऑल अबाउट ग्रोथ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एंड द रीजन फॉर द ग्रोथ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट difference between constitutional law and administrative law and relationship between constitutional law and administrative law. तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके बताइएगा. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा. और अगर आप इस बेल आइकन को प्रेस करते हो तो मेरे चैनल की लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी. तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो.